हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको आपके यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर हल्दीज एडवेंचर शुरू करेंगे। और ये चैप्टर पढ़ाने से पहले हम आपको इसका टाइटल और इसके कैरेक्टर के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, हल्दी ये एक लड़की का नाम है और ये छोटी सी बच्ची, इसका नाम हल्दी है। और दूसरा, ये जिराफ है, इसका नाम स्माइली है। अच्छा, दूसरा एडवेंचर मानी क्या होता है वो समझ लीजिएगा। एडवेंचर का मतलब होता है कि एक ऐसा काम जब हम करते हैं तो वो रोमांच से भरा हुआ होता है, उसे करने के बाद हमको बिल्कुल अलग तरीके का फील होता है, उसको एडवेंचर कहते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं हम साहसिक कारनामे। नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखें, ये हल्दी एक स्कूल में पढ़ती है। अब क्या हुआ कि वन मॉर्निंग एज हल्दी बाग टू स्कूल, एक सुबह की बात थी, हल्दी स्कूल जा रही थी। शी मेट अ जिराफ, रास्ते में वो एक जिराफ से मिली। द जिराफ वोर अ विग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। अब ये जो जिराफ था वो देखो चश्मा पहने था, अपने हाथों में एक किताब पकड़े था। ही स्माइल्ड एंड सैड, गुड मॉर्निंग हल्दी। तो उसने, इस जिराफ ने हल्दी को देखा तो ये मुस्कराया, पहले मुस्कराया फिर उसको गुड मॉर्निंग बोला। हल्दी लुक्ड अप एट हिम, हल्दी ने इसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी टू स्टेयर, मुझे दुख है आपको देखकर, सी सैड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। तो हल्दी बोली कि देखो, मुझे कहते पर दुख हो रहा है कि मैं आज तक तुम्हारे जैसे जिराफ, जैसे तुम हो वैसे किसी भी जिराफ से नहीं मिली। तो वो जिराफ बोला, देखो माई नेम इज स्माइली, मेरा नाम स्माइली है। सैड द जिराफ, जिराफ बोला कि मेरा नाम स्माइली है। अब फिर बोला, वैन एवर यू सी मी यू विल स्माइल, और मेरा नाम स्माइली इसलिए है कि जब तुम मुझे देखोगी तो तुम्हारे चेहरे पर एक क्या आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी, है ना, ऐसे स्माइल होती है, ऐसे 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 स्माइल आ जाएगी, इसलिए मेरा नाम स्माइली है। हल्दी वाज सरप्राइज एंड हैप्पी टू, हल्दी बड़ी अचंभे में थी और हैप्पी वाली खुश भी थी। देन शी रिमेम्बर्ड, तभी उसे याद आया, देखो हल्दी को क्या याद आया, दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल। उसने कहा, जिराफ भाई स्माइली, मैं स्कूल के लिए देर हो रही है मुझे तुमसे बातें करने के चक्कर में। सो सी सैड टू द जिराफ, इसलिए उसने जिराफ से कहा, आई वुड लव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करते पे बड़ा अच्छा लग रहा है, बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। अच्छा, मुझे या तो स्कूल की तरफ दौड़ना होगा, अदरवाइज मैं लेट हो जाऊंगी। द जिराफ सैड, जिराफ बोला, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, इफ़ यू क्लेम ऑन माई बैक, बोले तुम बिल्कुल भी देर नहीं होगी तुम्हारी लिए अगर तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मुझ पर घोड़, मतलब एक तरीके से कहते हैं राइड, कहते हैं घुड़सवारी करना। तो यहाँ पर राइड का मतलब है कि जिराफ के ऊपर बैठकर दौड़ना, जैसे हम घोड़े पर बैठते हैं बिल्कुल वैसे, उसे राइडिंग बोलते हैं। या साइकिल चलाते हैं तो उसको भी राइडिंग बोलते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं उसको भी राइडिंग बोलते हैं। फिर और आगे जिराफ ने कहा कि आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। तो बोले मैं इतनी तेज़ दौड़ूंगा कि तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे तुम स्कूल जा रही हो, स्कूल पैदल नहीं जा रही हो, उड़ती हुई जा रही हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, तो उसने, स्माइली ने पूछा, अच्छा पहले एक बात बताओ, क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो। देखो बेटा ऐसा होता है, कुछ बच्चे होते हैं स्कूल जाने से बड़ा रोते हैं, तो हमें स्कूल जाते पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि स्कूल में हमारे टीचर हमको प्यार करते हैं, हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं, हैं। तो ये जो हल्दी थी ये भी बहुत अच्छी बच्ची थी, ये रोज़ स्कूल जाती थी और कभी रोती नहीं थी। तो जिराफ उन बच्चों को, ये जो स्माइली है आपका, ये स्माइली है, उन बच्चों को बहुत प्यार करता है, पसंद करता है जो रोज़ स्कूल जाते हैं।
यस सैड हल्दी। हल्दी बोली, हाँ मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे ऑन सैटरडे। तो बोले मैं तो हर दिन जाती हूँ, मंडे को जाती हूँ ट्यूजडे को जाती हूँ वेनसडे को जाती हूँ थर्सडे को जाती हूँ फ्राइडे को जाती हूँ सैटरडे को जाती हूँ, मतलब मंडे टू सैटरडे जाती हूँ स्कूल। आई प्ले गेम्स एट स्कूल, और स्कूल में मैं गेम्स खेलती हूँ, उसने कहा। हल्दी ने कहा, व्हाट डू यू डू इन स्कूल, आज द जिराफ। जिराफ ने कहा हल्दी से, अच्छा तुम ये बताओ स्कूल में तुम करती क्या हो। तो आई लर्न अबाउट द स्टार्स, तो हल्दी ने कहा मैं सितारों के बारे में सीखती हूँ, द ट्रीज पेड़ों के बारे में, द बर्ड्स चिड़ियों के बारे में, एंड द एनिमल्स और जानवरों के बारे में भी सीखती हूँ। दैट इज़ गुड सैड द जिराफ। जिराफ बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आई लव बुक्स टू, मुझे तो किताबें बहुत पसंद है, जिराफ ने कहा। दे आर लॉट्स ऑफ फन, किताबों में बहुत अच्छा फन होता है। नाउ जंप ऑन माई बैक, अच्छा अब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें अभी स्कूल छोड़ देता हूँ। अब फिर क्या हुआ देखिए, हल्दी देन जंप्ड ऑन द जिराफ बैक एंड फाउंड दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप। अब हल्दी क्या थी, वो जिराफ की पीठ पर बैठ गई और उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें उस ऊंचाई से दिखाई दे रही थी। एंड बिफोर सी न्यू इफ सी हैड रेज द स्कूल, और इससे पहले वो उन चीज़ों के बारे में जान पाती, वो स्कूल के प्लेग्राउंड पर आ गई। मतलब इस स्माइली ने हल्दी को इतनी तेज अपनी पीठ पे बैठा के दौड़ाया कि जरा सी देर में वो स्कूल के प्लेग्राउंड पे आ गई। सी क्लिम डाउन, वो उसकी पीठ से उतरी। व्हेन सी टर्न, जब वो मुड़ी बैक पीछे टू थैंक द जिराफ, जिराफ को थैंक करने के लिए। सी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे, तो हल्दी ने इधर उधर देखा, बोली कि चलाओ मैं स्माइली को थैंक यू बोलूँगी, लेकिन तब तक तो जिराफ वहाँ से जा चुका। तब हल्दी ने कहा, ओ हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, आहा आज का दिन तो बहुत अच्छा था, मैंने तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर सीखा आज के दिन में, मैंने एक काम ऐसा किया जो साहसिक कारनामों से भरा हुआ था। इस तरह से बच्चों ये आपका हल्दीज एडवेंचर आपका कंप्लीट हो गया। Very soon I meet you to the next video. Thank you to watching this. Thank you very much.